देखो बच्चों, अब जो अगला टॉपिक है वो है वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट्स और कथनों की वैधता या उनकी प्रामाणिकता चेक करना। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास में कथन कौन से होंगे और उनकी प्रामाणिकता या वैधता हम कैसे चेक करेंगे। वैलिडिटी मतलब वो ट्रू हैं कि नहीं। वैलिडिटी चेक करने का मतलब केवल यही है कि जो आपके सामने लिखा है वो ट्रू है, ये चेक करना है आपको बस केवल, ठीक है ना। और कोई भी स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट जिनको कंबाइन किया गया हो वो कब कब ट्रू हो सकते हैं ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए आपने किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया है, तो पहले तो वो कनेक्टिव्स देखते हैं हम लोग। हमने दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया था एंड की मदद से, और की मदद से, इफ देन की मदद से, ठीक है ना, और इफ देन की मदद से, एंड देन इसके बाद इफ एंड ओनली इफ, ठीक। इतने पैरासिस या वाक्यांशों के प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया था। अब अगर दो स्टेटमेंट्स इन से कनेक्टिव से कंबाइन हो तो वो स्टेट उस स्टेटमेंट्स को हम ट्रू कैसे चेक करेंगे उसका तरीका समझिए। अब जरा मान लीजिए आपके पास में एक स्टेटमेंट है जिसको हमने पी एंड क्यू से क्या किया है, कंबाइन किया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कब ट्रू होगा इसको समझिएगा। इसको चेक करने के लिए कि ये ट्रू है कि नहीं आपको ये करना होगा, पी भी ट्रू होना चाहिए इसके लिए और क्यू भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यानी कि एंड से जुड़े हुए दो स्टेटमेंट्स से बनने वाला नया स्टेटमेंट, कंबाइंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू तभी होगा जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। मेरी बात समझ में आई? ओके। नंबर टू, अगर दो स्टेटमेंट्स पी और क्यू और के द्वारा आपस में कनेक्ट हैं, कंबाइन है, तो ये जो नया स्टेटमेंट है कंबाइंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू तब होगा जब पी और सॉरी पी ट्रू क्यू फॉल्स, या फिर पी फॉल्स और क्यू ट्रू। यानी कि और से जुड़े हुए दो स्टेटमेंट्स से बनने वाला नया स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो। मेरी बात समझ में आई? राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर थ्री, इफ देन से जुड़े हुए स्टेटमेंट है ना, इफ पी देन क्यू, यानी कि पी इंप्लाइज क्यू, ये जो कंबाइंड स्टेटमेंट है ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा इफ पी ट्रू देन क्यू मस्ट ट्रू, ठीक है। यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट तब ट्रू होगा अगर आप पी को ट्रू मान रहे हैं तो क्यू को भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। या फिर उल्टे तरीके से, इफ क्यू नॉट ट्रू देन P must be not true। मतलब ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया चेक करने का, और ये जो है ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव तरीका है। कौन सा तरीका है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव तरीका है। बात समझ में आई? और लास्ट वाला, अगर P if and ओनली इफ, इसको कैसे चेक करोगे कि ये वैलिड है कि नहीं है, तो बहुत सिंपल है। आप पहले चेक करोगे कि P implies Q, ये ट्रू होना चाहिए, और Q implies P, ये भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ऑटोमेटिकली P if and only if Q भी ट्रू होगा। इतनी बात समझ में आई? तो किसी किन्हीं भी दो स्टेटमेंट से के कॉम्बिनेशन से बने हुए स्टेटमेंट को
कैसे ट्रू चेक किया जाता है पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी को, यानी कि वो ट्रू हैं, ये साबित करने के लिए दो और अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी चीज को सत्य दिखाना है तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो असत्य है, तो निश्चित ही अगर किसी असत्य चीज, अगर आप किसी सत्य को असत्य मान के चलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट जरूर आ जाएंगे जो अपने आप में क्या होंगे, गलत होंगे। तो उन गलत रिजल्ट को आप दिखाकर ये कह सकते हो क्योंकि हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमने जो माना था शुरुआत में वो गलत था, तो अपने आप ही वो चीज जो लिखी थी वो सत्य होगी, निश्चित ही। तो इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट की वैधता किसकी मदद से, कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से प्रूफ करना कहते हैं। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधोक्ति। ओके, मतलब कि किसी वाक्य का या स्टेटमेंट का विरोध लेकर उसको सिद्ध करना कि वो सही है। और एक और तरीका होता है नंबर टू, काउंटर एग्जाम्पल। अगर किसी चीज को सत्य दिखाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, काउंटर एग्जाम्पल दो। क्या दो? काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब समझते हो? काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता है कि जो कथन में कहा गया है उसको गलत साबित करने के लिए कोई एग्जाम्पल दे दो आप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि, जैसे हमने ये कहा कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल्स टू क्यू, ये कथन है। इसमें इफ ये कथन है। ओके, अब आपको ये साबित करना है कि अगर पी और क्यू का स्क्वायर बराबर है तो पी और क्यू बराबर होंगे। आपको इसको दिखाना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स है। आप कैसे दिखाओगे? हाउ यू प्रूव दैट कि दिस इज अ फॉल्स? आप काउंटर एग्जाम्पल की मदद से दिखा सकते हो। कैसे? देखो, तरीके कई होते हैं दिखाने के, लेकिन उनमें से एक तरीका काउंटर एग्जाम्पल है, तो इसका आप काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो। कैसे? इस तरह से कि माइनस टू और प्लस टू बराबर नहीं होते हैं, लेकिन माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जरूरी नहीं है कि दो नंबर जिनका स्क्वायर बराबर हो वो नंबर भी बराबर हो। आपने एग्जाम्पल दे दिया ना, जो चीज यहां पे गलत साबित कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। मतलब स्क्वायर के बराबर होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो नंबर भी बराबर होंगे। आपने दे दिया एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये चीज गलत हो गई अपने आप ही। इसे कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। नहीं आई बात समझ में? आ गई समझ में, ठीक है ना। और एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। एक मैं कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल देता हूं तुम लोगों को। अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, इफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्स, इफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको दिखाना है क्या? कि ये सही है। और किसकी मदद से? कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से। आपको दिखाना क्या है कि यदि ये है तो ये होगा ही होगा, x जीरो होगा ही होगा, ये आपको दिखाना है। अब आप कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से कैसे दिखाओगे? बहुत हद तक वो थोड़ा सा इसके ये काउंटर एग्जाम्पल से हल्का सा मैच करता हुआ है। आपको ये दिखाना है कि अगर ये है तो ये होगा। आप ऐसा मान लो, मान लिया या लेट x नॉट इक्वल टू जीरो, मान लिया कि x जीरो नहीं है। तो अगर x जीरो नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो, लेट
x इज इक्वल्स टू 1, मान लिया कि हमने क्या है x 1 है, 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, मान लिया 1 है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब कितना आएगा 1 क्यूब मतलब कि 1, और 4x यानी कि 4 इंटू 1 यानी कितना आएगा 4 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब प्लस 4x बराबर कितना आ जाएगा, इट्स 1 प्लस 4 बराबर 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, कैसे कि अगर आपने कहा था ना कि अगर x 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा, आपने जब वो लेके चले तो आपने ये दिखा दिया कि x क्यूब प्लस 4x भी फिर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, जबकि शर्त क्या थी कि x क्यूब प्लस 4x भी 0 ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को आप 0 नहीं लोगे तो जो कंडीशन है x क्यूब प्लस 4x बराबर 0 वो भी सत्य नहीं होगी फिर। तो मतलब उसको अगर सत्य करवाना है आपको तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को 0 होना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आपने x को 0 डायरेक्ट नहीं दिखाया, आपने उल्टा मान लिया कि x 0 नहीं है। नहीं आई बात समझ में, मान लिया कि x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं था तो आपने कुछ मान लिया कि 0 नहीं होगा तो कुछ तो होगा, 1 मान लिया, 1 माना, फिर आपने x क्यूब निकाला, ये निकाला, इसमें रख के देखा तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब आप एक गलत निष्कर्ष पे पहुंच गए ना, क्योंकि आपको तो ये कहा था कि x क्यूब प्लस 4x 0 है, वो तो 0 है, आपको ये कहा था ना, तो आपने गलत माना तो गलत निष्कर्ष पे पहुंच गए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने जो माना था वो गलत ही था। तो इसका मतलब x को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और ये क्या था, काउंटर एग्जाम्पल। इतनी बात समझ में आई, श्योर? ऐसा तुम लोगों को रियल लाइफ में और घर परिवार में भी कई जगह पर मिलेगा जब तुम इस कॉन्ट्राडिक्शन का और काउंटर एग्जाम्पल का प्रयोग कर पाओगे, ठीक है? जैसे, ठीक है, देखो जरा इस क्वेश्चन को बच्चों, आपने इस क्वेश्चन में क्या दिया था और आपको करना क्या है। आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि एक्स क्यू प्लस 4x बराबर 0, तो x बराबर 0, राइट? इट मींस दैट कि इफ x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है, और तीन कंडीशंस में प्रूफ करना है, पहली डायरेक्ट मेथड, दूसरा बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और तीसरा बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लिया, तो उसमें हमने मान लिया कि ये 0 है। अभी अगर 0 होगा तो इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास में ये कंडीशन बनेगी, यहां से इसके मतलब ये है अगर x और x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा 0 है तो इट मींस दैट कि इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। बाय अलजेब्रा अपन लोग ये जानते हैं कि दो चीजों का गुणा या मल्टीप्लिकेशन 0 तब हो सकता है जब दोनों में से कम एक चीज 0 हो, अदरवाइज उनका गुणा 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए या तो x 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों में से किसी एक को 0 होना है तो चेक करते हैं क्या होगा। मान लिया कि आपने x 0 या x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो जैसे ही आप इसको 0 मानते हैं तो x स्क्वायर बराबर माइनस 4 आ जाता है, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, जो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा, x को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये है तो x 0 होना ही है, तो ये प्रूफ हो गया इस तरह से। नाउ विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से आप कैसे करेंगे, तो विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जो आपको दिखाना है आप मान लीजिए कि वो नहीं है, तो आपने क्या किया, मान लिया कि x 0 नहीं है जो कि आपको दिखाना है, तो अगर x 0 नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लीजिए कि 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, मान लिया 1 है, तो अगर x बराबर 1 है तो x क्यूब बराबर 1 और 4x बराबर 4 आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में x क्यूब प्लस 4x की वैल्यू 5 आ जाएगी जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब x को 0 ना मानने से जो आपको सिद्ध करना था, सॉरी जो दिया था वो भी गलत साबित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट कि जो आपने माना था वो गलत है, तो इसका मतलब x बराबर 0 ही होगा तभी ये प्रूफ हो सकता है। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इस तरह से आप यहां पे लिख देंगे जो इस बात का विरोध है कि j बराबर 0, अतः ये मानना कि x बराबर 0 गलत है, तब x बराबर 0 ही सत्य होगा, ठीक है? अनदर,
प्रतिधनात्मक, प्रतिधनात्मक जो स्टेटमेंट दिया है पहले उसका प्रतिधनात्मक यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाओ, तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा, x नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x क्यूब प्लस 4x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आपने x क्यूब x नॉट इक्वल्स टू जीरो तो आपने मान लिया x बराबर 1, तो जैसे ही आपने x बराबर 1 माना तो आपने देखा कि x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल्स टू भी जीरो नहीं है, तो ये यहां से प्रूफ हो गया। इट मीन्स दैट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट की मदद से सिद्ध करने का मतलब यह है कि अगर P implies Q सत्य है तो negation Q implies negation P भी सत्य होगा, और वो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब अगला प्रश्न लेते हैं, पढ़ लो, बताओ जरा अगला प्रश्न क्या था बेटा, तीसरा था ना। ओके, बताओ जरा पी क्या दिया है। यदि एक्स एक पूर्णांक है, यदि एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर सम है तो एक्स भी सम है। ओके, देखो भाई अपने को इसको किस क्या सिद्ध करना है, सत्य क्या सत्य। ओके, हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो पहले तो हम इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाएंगे। तो आप लिखिए P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना। तो P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा बेटे, P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा यदि एक्स सम नहीं है तो इसका निगेशन पता है क्या बनेगा। देखो यदि एक्स सम नहीं है तो एक्स स्क्वायर सम नहीं होगा, जबकि x पूर्णांक है, ये बनेगा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, क्या x सम नहीं है तो x स्क्वायर सम नहीं होगा, जबकि x क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। ओके, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक तरीके से और भी बन सकता है इस तरह से, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और यदि x सम नहीं है तो x स्क्वायर भी सम नहीं होगा। वास्तव में ये इसका क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पूर्णांक वाली चीज तो रहेगी रहेगी, मेन क्या था कि x सम है और उसका स्क्वायर सम है, ये स्टेटमेंट में था मेन। तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाएंगे तो ये लिखेंगे x एक पूर्णांक है और यदि x सम नहीं है तो x भी सम नहीं होगा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे बेटा, बहुत ही आसान है, क्योंकि x सम नहीं है, ठीक है ना, राइट। अगर x सम नहीं है तो x एक विषम पूर्णांक होगा, हाँ या ना बेटा, सम नहीं है तो विषम पूर्णांक होगा, और विषम पूर्णांक का वर्ग एक विषम पूर्णांक होता है, हाँ या ना, है ना। अतः एक्स स्क्वायर भी विषम होगा, ठीक, एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, विषम होगा, अर्थात
एक्स स्क्वायर सम नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर भी सम नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए पी सत्य है, ठीक है ना, इसलिए पी सत्य है। आपको काउंटर एग्जाम्पल देके बताना है कि ये कथन सत्य नहीं है। चलिए काउंटर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, मतलब उसका उल्टा उदाहरण देके बता दीजिए आप, जो उसने कहा था उसके अपोजिट में बता दीजिए उदाहरण देके। आपको गलत सिद्ध करना है ना, ये बात ध्यान रख में रखना। उसने कहा कि यदि त्रिभुज सभी कोण समान है तो कोण ना कोण समान है तो त्रिभुज एक अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, मतलब वो आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो कोण समान है, इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना है। कोई एक स्टेटमेंट चाहिए, मतलब एक कोई एग्जाम्पल देना है अपने को। कोण समान है, बस ये दिखाना है ना, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। आप इसमें काउंटर एग्जाम्पल ये देना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है ना, है ना, बराबर होता है ना, और वह अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, आया ना, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि अगर कोण बराबर हैं तो वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, जबकि हमने तो ये दिखा दिया कि कोण बराबर है तब भी वो अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल बताऊं इसके, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे एक त्रिभुज बनाना, ठीक है, इसको बना देना, इन दोनों को बना देना 60, इसको बना देना 70, तो ये हो जाएगा 40 degrees अपने आप ही। अब देखो फिर दो कोण समान हो गए, लेकिन ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, हो गया ना अपने आप ही वो गलत साबित। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, सब उसके उल्टे हैं, है ना। यहां कोण 70, 70 व 40 degrees है, यानी कि 70 degrees बराबर 70 degrees कोण बराबर हैं दो, जबकि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, अतः दिया कथन क्या बेटा, दिया कथन सत्य है। समझ में आई बात, काउंटर एग्जाम्पल का मतलब समझे। और काउंटर एग्जाम्पल देने के लिए तुम्हें प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या कहा है, तब काउंटर एग्जाम्पल दे पाओगे।